तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ओवल स्मार्ट, और मैं हूं आपके साथ सादिक अख्तर। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो ये होने वाला है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन या कैमरा में जो चिप लगाते हैं या जिसे आप मेमोरी कार्ड कहते हैं, कभी कभार उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे हमें खास करके मैं आज एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में बात करूँगा। कैमरा DSLR के बारे में तो नहीं बात करूँगा, मैं आज एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब हम मेमोरी कार्ड उसमें लगाते हैं, यूज़ करते रहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसमें दिखाने लगता है कि मेमोरी कार्ड एरर, टैप टू फिक्स या करप्टेड मेमोरी कार्ड। जैसे कि मैं आपको गूगल से इमेज दिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आता है करप्टेड SD कार्ड। मेरे में तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा था, मेमोरी कार्ड एरर, टैप टू फिक्स। तो Xiaomi में मतलब हर अलग अलग मोबाइल फ़ोन में अलग अलग नोटिफिकेशन का वो स्टेटमेंट्स अलग अलग रहेंगे, लेकिन सबका जो मतलब है कि आपका जो मेमोरी कार्ड है वो करप्ट हो चुका है, उसके जो फाइल सिस्टम है वो बिगड़ चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं या आपको IT के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि हमारा कोई भी अगर डिवाइस रहता है, कोई भी फ्लैश ड्राइव हो गया या मेमोरी कार्ड हो गया, उसका एक हमारा फाइल टाइप रहता है। ठीक है, तो फाइल टाइप अगर बिगड़ जाने से वो क्या होता है, वो करप्टेड हो जाता है, यानी वो अब रीड नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक हायरार्किकल मॉडल में रहता है, ठीक है, कि ऊपर से नीचे फाइल को रीड करते हुए मारे हैं, एक जगह से स्टार्ट किया और फाइल को हम रीड करते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर वो फाइल सिस्टम जरा सा भी बिगड़ जाता है, इधर से उधर हो जाता है, तो अभी क्या होता है, हम रीड नहीं कर सकते, यानी हमारा मोबाइल फ़ोन या हमारा कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता है उस मेमोरी कार्ड को या उस फ्लैश ड्राइव को। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारे प्रॉब्लम की और क्या है, तो चलिए अब इसे सॉल्व कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास एक PC या लैपटॉप होना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन से उस मेमोरी कार्ड, उस करप्टेड मेमोरी कार्ड को या जो मेमोरी कार्ड चल रहा नहीं है, कोई फोटोज़ वीडियोज़ उससे आप रीड नहीं कर पा रहे, यानी देख नहीं पा रहे, उसे निकाल लें और एक मेमोरी कार्ड रीडर में उसे लगा दें। आपके पास तो इसमें थोड़ी सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है दोस्तों, सॉरी, पर क्या करूं? इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही है कि आपके पास एक PC या लैपटॉप होना चाहिए और एक मेमोरी कार्ड रीडर होना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही होंगे। तो अभी आप क्या करें, अपने मेमोरी कार्ड रीडर को, मैं अपना वीडियो तो शेयर नहीं किया हूँ, लेकिन मैं अभी आपको जो भी करूँगा स्क्रीन में दिखाता जाएगा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आता जाएगा। तो चलिए, मैं अपना मेमोरी कार्ड रीडर में अपने मेमोरी कार्ड को डाल दिया हूँ और ये मैं प्लग इन करता हूँ। चलिए, मैंने प्लग इन कर दिया है अपने लैपटॉप पे, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। थोड़ा देर इसको रीड करने देते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसका डिस्पीशन में जाके देखते हैं और ये रीड कर रहा है कि नहीं। थोड़ा देर वेट करते हैं, मेमोरी कार्ड रीडर थोड़ा स्लो होता है जनरली। तो देखिए, ये अभी रीड करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने अपने एक डोंगल में इसे मेमोरी कार्ड रीडर, उसमें मेमोरी कार्ड रीडर भी था, तो मैंने उसी में अपना मेमोरी कार्ड डाल दिया। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने डोंगल को इजेक्ट कर देता हूँ ताकि मेरा मेमोरी कार्ड रीड हो पाए। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे मेमोरी कार्ड USB ड्राइव ई करके रीड होने लगा। तो हो सकता है आपके साथ क्या हो, आपका COD ड्राइव हो तो आपका यहाँ पे H दिखाई या कोई और भी दिखाई, जैसे मेरे यहाँ पे USB ड्राइव ई दिखा रहा है, आपका यहाँ पे FGH कुछ भी दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसे यहाँ पे खोला है और यहाँ पे मेमोरी कार्ड मेरा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे रीड नहीं हो पाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप पे आपको स्टार्ट मेनू में जाना है, आपको वहाँ पे लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है। आप इसे डायरेक्टली भी खोल सकते हैं या विंडोज आइकन प्लस R बटन को दबाएं और वहाँ पे CMD लिखे, जैसे मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है CMD, और ओके दबा दे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। एक बार आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है एक CHKDSK यानी चेक डिस्क। आपको यहाँ पे एक कमांड लिखना है, ठीक है दोस्तों, CHKDSK यानी चेक डिस्क, मेरा जो भी डिस्क है उसे चेक करो कंप्यूटर। ठीक है, अभी हमको बताना है कि उसका जो फोल्डर है, उस फोल्डर का नाम क्या है। तो यहाँ पे मेरा फोल्डर नाम जैसे E दिखा रहा है, आपके केस में F दिखा सकता है, G दिखा सकता है, H दिखा सकता है। ठीक है, तो ये केस इनसेंसिटिव होता है, यानी आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे में E दिखा रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, स्पेस दे के E और कोलन और /F लिखूंगा। ठीक है, /F यानी उस फाइल फॉर्मेट को आप ठीक कर दो, उस फाइल फॉर्मेट को आप पूरा रीड कर लो। आप एक बार लिख लेते हैं CHKDSK यानी चेक डिस्क पूरा, आप चेक डिस्क CHEC के मत लिख देना, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखे CHKDSK E:, जो मेरे केस में था, और /F और एंटर दबा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा उसके फाइल सिस्टम को रीड करने लगा कि द टाइप ऑफ द फाइल सिस्टम इज FAT32 और उसके वॉल्यूम, सीरियल नंबर और उसके बारे में पूरा फाइल फोल्डर को वो पूरा हायरार्किकल मॉडल में रीड करते जा रहा है और सभी फाइल्स को एक ट्री बेस्ड मॉडल में उसको बनाते जा रहा है। जैसे कि आपने एक पेड़ को तो जरूर देखा होगा कि पेड़ नीचे से रूट से शुरू होता है, फिर आता है उसका स्टेम आता है, फिर ब्रांचेस आते हैं, लीव्स आते हैं, तो ऐसे क्या होता है, एक ट्री पूरा बनता है। तो वैसे ही हमारा फाइल सिस्टम होता है। तो फाइल सिस्टम
कभी कभार क्या होता है बीच से स्टेम ही गायब हो जाता है, वो क्या होता है मिसमैच हो जाता है। तो अब क्या हुआ, हम रूट से तो चले लेकिन अब आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि स्टेम गायब है, तो हम लीव्स तक कैसे पहुंचेंगे। तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट यही कर रहा है कि जो भी फाइल सिस्टम है उसको एक जैसा ट्री बना के दे दे रहा है ताकि हमारा मेमोरी कार्ड रीड कर पाए। और याद रखना दोस्तों, ये सिर्फ कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप में पॉसिबल है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, ये आपके एंड्रॉयड मोबाइल में पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने बताया, एक पीसी या लैपटॉप रहना चाहिए, उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में बस आपको एक छोटा सा कमांड लिखना है chkdsk और अपने फोल्डर का नाम और /f, और यहाँ पे क्या होगा आपका वो फाइल एंड फोल्डर बिल्कुल इराकी का मॉडल बनकर तैयार हो जाएगा। बस आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब अपने मेमोरी कार्ड को आप यहाँ से इजेक्ट कर लें, डायरेक्टली मत निकालना दोस्तों कभी भी। यहाँ पे मैंने इजेक्ट कर लिया, जैसे सेव टू रिमूव हार्डवेयर आया, अब मैं इसे निकाल लेता हूँ और अपने मोबाइल पे लगाऊंगा तो दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल ही 100% ये काम करेगा और आपके मोबाइल में वापस से आपका मेमोरी कार्ड चलने लगेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि 5% लोगों का अगर ये नहीं चलता है तो इसका मतलब है कि उनका जो मेमोरी कार्ड है वो सीरियसली डैमेज हो चुका है, तो अब उन्हें फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। फॉर्मेट बहुत लास्ट ऑप्शन है, तो फॉर्मेट अब उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर ये काम नहीं किया फाइल सिस्टम को वापस से हायरार्किकल मॉडल में बनाने के बाद भी, अगर वो चिप आपका रीड नहीं होता है इसका मतलब आपका इन्फॉर्मेशन पहले ही से लॉस हो चुका है और आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा उस एसडी कार्ड को यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही था, अगर कुछ भी आपको अगर डाउट होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दूंगा। और इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।